नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर 1188 प्रवासी श्रमिकों को लेकर अंबाला छावनी के रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन बिहार के लिए हुई रवाना। प्रदेश के विभिन्न जिलों से बसों द्वारा अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे प्रवासी श्रमिक। जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों उपलब्ध करवाए गए खाने के पैकेट, सैनिटाइजर, पानी और मास्क। स्टेशन पर प्रवेश से पहले सभी का किया गया स्वास्थ्य चेक। मौके पर डीसी अशोक कुमार शर्मा, एसपी अभिषेक जोरवाल सहित उपस्थित रही संबंधित अधिकारियों की टीम। जिला प्रशासन की ओर से प्रवासी श्रमिकों को आज अंबाला छावनी के रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बिहार भेजने का काम किया गया। इस दौरान 1188 प्रवासी श्रमिक बिहार के 7 जिलों से संबंधित थे। बिहार के 7 जिलों की लेबर है जो हमारे यहाँ से जा रही है। ये ट्रेन बेसिकली कटिहार जा रही है, वहाँ के और जो जिले हैं आसपास के, किशनगंज, अररिया, वहाँ की ये लेबर है। और ये हमारे पास हरियाणा के डिफरेंट जिलों से आई है, जिसमें से मैक्सिमम जींद और भिवानी से हैं, 500 के करीब, और कुछ अंबाला के हैं, बाकी पानीपत, कैथल से कुछ लोग हैं, कुछ फतेहाबाद और हिसार से हैं। ये अराउंड लगभग 1200 लेबर जा रही है अभी आज। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने पे करें इनके, जो इनसे कुछ नहीं लिया गया और हरियाणा गवर्नमेंट ने रेलवेज़ को पेमेंट कर दिया इनको। हम मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइज़र दे रहे हैं और एक टाइम का खाना दे रहे हैं इन्हें, और बाकी एक टाइम रेलवेज़ प्रोवाइड करेगा खाना और वाटर बॉटल्स दे रहे हैं इन्हें। उन्हीं की दोनों स्टेट गवर्नमेंट। मैं बलवंत सिंह, हरियाणा रोडवेज इंस्पेक्टर, स्टैंड ड्यूटी अम्बाला कैंट। आज 17 गाड़ी जींद से आई है और 17 भिवानी से आई है, एक फतेहाबाद से, एक पानीपत से और 3 अंबाला के एरिया से आई है। और ये सारी गाड़ियाँ सैनिटाइजर हो गई है, हर एक जितने भी मजदूर गाड़ी के अंदर ले आए गए हैं, सभी अपना मास्क लगाए हुए हैं। तो कितने लोग हैं कितनी गाड़ी में आपके? टोटल यात्री हुई है जी 1130 टोटल यात्री हुए जी। 1130। हाँ जी। कितने बजे आना शुरू हुए थे सुबह हमारे? सुबह 9 बजे आना शुरू हो गए थे जी। हाँ जी। सारे आ गए जी? नहीं, सारे नहीं आई जी, कुछ गाड़ियाँ हमारी किसी एक कॉलेज में रुकी हुई है, रात की आई है फतेहाबाद। सबका खाने का